अभी रीसेंट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके साथ में जुड़ा है, वो ये है कि आपकी फिल्म मैं वृंदा बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड भी रही, प्लस यूएस और कनाडा में ऑफिशियल रिलीज मिला है इसको। बहुत बड़ा एक फेदर इन कैप है। आपने जो डबिंग करी है, आपने अपनी खूबसूरत आवाज इसमें दी है, तो वो आपने मतलब किस तरह से आपको लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको हाँ कहना चाहिए, इस वॉइस ओवर के लिए क्या सोच के आपने ये किया? और दूसरा कि मैंने सुना है कि तन्मय और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपने इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया। सो ये जो स्क्रिप्ट का कमाल था कि आपने इसको हाँ कहा या जस्ट आउट ऑफ फ्रेंडशिप? तो सबसे पहले तो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये फिल्म है आई एम वृंदा, और फिल्म का ट्रेलर जो है मेरी स्टोरीज पर अवेलेबल है, आप उस ट्रेलर को देख सकते हैं और आपको बहुत इंट्रीगिंग लगेगा। वो ट्रेलर देखने के बाद आपको लगेगा कि आपकी फिल्म जरूर देखेंगे। आपने सवाल पूछा कि मैं इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ी, और सिर्फ दोस्ती में जुड़ गई या फिर मुझे फिल्म या सच में अच्छी लगी। मैंने इसके लिए एक्चुअली वॉइस ओवर किया, तो इस फिल्म में अगर आप आवाज सुनेंगे तो वो मेरी आवाज है। तो भाई हुआ यूं कि जब तन्मय को हम पहले से जानते हैं, एक आध बार हम पहले मिल चुके थे, उसके पहले हम एक फिल्म के बारे में बात कर रहे थे कि उससे जुड़ेंगे। मैंने उनके लिए एक ऑडिशन भी किया था, और ऐसे कुछ कुछ वक्फे पर बात होती रहती थी तन्मय से। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म का जिक्र किया और मुझे फिल्म दिखाई तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। सही बात तो यह है कि फिल्म अच्छी लगी, और जिस तरीके से इन्होंने बनाई वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तरीका। बहुत क्रिएटिव आदमी है तन्मय खुद, और बिल्कुल शायर भी बहुत है, इसलिए आज शायद सिर्फ यस मैसेजेस में हम जुड़े होंगे। लेकिन फिल्म की जो तहें हैं वो बहुत सारी हैं, सबसे अच्छी बात यह है उस फिल्म में। तो कहानी देखने में जो जो कहानी देखने में चल रही है, विजुअल जो नैरेटिव चल रहा है और जो ऑडियो नैरेटिव चल रहा है, उसके कनेक्शंस जैसे जैसे एक-एक सीन बढ़ता जाता है आगे, जैसे जैसे आप कनेक्ट करते जाते हैं, तो आपको फीलिंग आती है कि अच्छा मैं इसके साथ जुड़ रहा हूँ, मैं इसके साथ, अच्छा अब ये हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा इसका मतलब ये है। तो आई जी थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में। तो आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, वो देखिए उस फिल्म को। और पैसे तो मैंने चार्ज नहीं किया, ऑफकोर्स पैसे की कोई बात नहीं थी उसमें। अच्छा काम, मेरे ख्याल से अच्छा काम निकल कर आए, बाहर लोगों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और अच्छा जो काम करना चाह रहे हैं, एक फिल्म एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा जरिया है जो बहुत लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है। यानी कि आप अपनी बात, जो मैं आपसे आज बात कह रही हूँ, वो बात अगर मैं फिल्म बनाकर कह दूँ तो पूरी दुनिया देख सकती है उसे। तो बिल्कुल सही बात है एकदम। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है फिल्म के माध्यम की। तो जो अच्छी फिल्म है, अच्छा प्रोडक्ट है, किसी ने दिल से और दिमाग से बनाया है, तो उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत सही आपने कहा, और मैंने भी ये फिल्म देखी है। मैं बहुत और भी ज्यादा बड़ा फैन हो गया तन्मय का इस फिल्म के बाद, क्योंकि जिस तरह से एक एक सीन को इतनी शिद्दत से इन्होंने फिल्माया है, सो एक एक सीन को हम अंदर तक, रूह तक फील कर पाते हैं। और ये फिल्म मेकर की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि टीम वर्क इतना कमाल का निकल के आए।